ये सीज़न मौसमी बुखार का सीज़न रहता है और इस सीज़न में वायरल, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां आती हैं। इस बार भी केसेस निकले हैं डेंगू के, जो अभी तक के आंकड़े में हमारे पास 333 रजिस्टर्ड कन्फर्म एलाइजा पॉजिटिव हैं। चूँकि ये सीज़न है, इसलिए संक्रामक बीमारियों से हम बचने की जितनी भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई है उस पर जोर देते हैं, वो करते हैं। मलेरिया विभाग सतत डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं, जिसमें लार्वा सर्वे, लार्वा विनिष्टीकरण, इंटरनल स्प्रे ये करवा रहे हैं हम लोग। नगर निगम की सहयोग से एक्सटर्नल फॉगिंग, इंटरनल फॉगिंग ये कराई जा रही है। क्योंकि जितना हम लोग जागरूक रहेंगे, इन बीमारियों से निजात जल्दी पा सकते हैं। अभी हम आम जनता से ये अपेक्षा करते हैं कि अपने घरों में, चूँकि ये ग्रीष्मकालीन के बाद वर्षाकालीन शुरू होता है, लेकिन गर्मी बनी रहती है, तो हम लोग अपने यहाँ कूलर चालू रखते हैं। चूँकि उन कूलरों में अपने हिसाब से पानी हम डेली बदलते हैं, लेकिन पानी बदलने से नहीं होता, क्योंकि उसमें रेजिडुअल पानी पड़ा रहता है, जिसमें लार्वा पनपने के चांसेस पूरे रहते हैं। तो आम जनता से हम ये चाह रहे हैं कि हफ्ते में एक दिन उसको पूरा खाली करके सुखा के फिर नया पानी भरें, जिससे लार्वा पनपने रोकें। बहुत सारा कूड़ा करकट हम लोग अपने छत पर रख देते हैं, बहुत सारा वेस्ट मटेरियल रखते हैं जिनको हम भूल जाते हैं, और उनमें फ्रेश वाटर लॉगिंग होने लगती है। छतों में कई जगह पानी भरा है, हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है कि हमें मालूम नहीं है, लेकिन ध्यान नहीं दे पाते हैं और उसमें लार्वा पनपते हैं और उससे ये डेंगू जैसी बीमारियां पनप सकती हैं। तो ये बच्चों का सर क्या स्थिति है, हम देख रहे हैं बच्चा बॉडी फुल है, डेंगू पॉजिटिव फिलहाल कितने हैं और वायरल में भी लगातार संख्या बढ़ रही है? हाँ, निश्चित रूप से यदि जो हमने देखे हैं कि अभी बच्चे हमारे जो 0 से 18 साल की यदि हम बात करें, तो 2021 में करीब 124 बच्चे डेंगू पॉजिटिव आए हैं।